बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी। देखो अगर तुम भी इस तरह के फनी रोस्ट वीडियो बनाना चाहते हो तो तुम्हारे पास में सारे इक्विपमेंट होना चाहिए, तब जाकर तुम इस तरह के फनी रोस्ट वीडियो बना सकते हो। और ये जो स्क्रीन पर तुम्हें जितना भी इक्विपमेंट दिख रहा है, और अगर ये सारे इक्विपमेंट तुम्हारे पास में है तो अभी हम चलते अपने फोन के स्क्रीन पे और वहां पे मैं तुमको इस तरह के फनी रोस्ट वीडियो बनाना सिखाता हूँ। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फोन के अंदर की काइनमास्टर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। तो भैया यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने खुल जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्रिएट नाउ जो लिखा हुआ है इस पर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है एस्पेक्ट रेशियो आपको जो है 16:9 को आपको सेलेक्ट करना है। और सिंपली क्या करना है कि आपको कोना में नेक्स्ट का एक बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद में कुछ इस तरह के आपके सामने इंटरफेस खुल जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपके पास में क्लिप्स होना चाहिए, तो भैया आप मान लो कि किसी भी वीडियो के ऊपर या किसी भी क्लिप्स के ऊपर अगर आप रोस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप उस क्लिप्स को एक्सपोर्ट करोगे। तो भैया एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जहाँ पर आप उस क्लिप्स को रखे हो उस फाइल को आपको क्या करोगे, आप ढूंढोगे, ठीक है, और उसके बाद में क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। तो भैया मेरा जो क्लिप्स है भैया वो डाउनलोड में है, तो भैया डाउनलोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं उस क्लिप्स के ऊपर टैप करूंगा तो जो है मेरा काइनमास्टर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो गुन्ना का चिन्ह इस पर आपको टैप करके काट देना है। और भैया अब आपको क्या करना है कि जो लेयर आपको दिख रहा है इस पर आपको टैप करना है लेयर के ऊपर। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे जो कैंची वॉइस और बीच में जो जूम वाला ऑप्शन इस पर आपको टैप करना है। और टैप करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसको जो है एक साइड में आपको जो है उंगली रख कर अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो के ऊपर, और आपको एक साइड में क्या करना है आपको इसको लाना है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको दोनों उंगली रखना है इस क्लिप्स के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको जूम करना है, और जूम करने के बाद में क्या करना है कि आपको जो है इसको फिट करना है आधा स्क्रीन में, क्या करना है कि अपने अनुसार आप इसको फिट कर लोगे, ठीक है, और आधा स्क्रीन में जैसे कि आपका वीडियो रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना है कि आपको दोनों उंगली को रखना है स्क्रीन पे, और उसके बाद में क्या करना है भैया कि आपको फिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इधर जो है स्टार्ट पोजिशन और एंड पोजिशन, और यहाँ पर जो है इक्वल का यहाँ पे है आपके पास में एक सिंबल दिख रहा होगा, इस पर आपको क्या करना है टैप कर देना है तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि भैया थोड़ा सा और हम इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा बीच में, क्योंकि आधा आधा इसको करते हैं। तो भैया अब जो है ये आधा हो चुका है, आधा आधा साइड हो चुका है। और भैया अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है राइट वाला एक सिंबल आपको दिख रहा होगा कोने में, इस पर आपको टाइप कर देना है। तो जो है भैया ये फिक्स हो चुका है, ठीक है, ये जो है आपका क्लिप्स वाला वीडियो हो गया। और अब आपको क्या करना है कि आपका जो खुद का एक वीडियो, मैंने बोला था आपको कि आपका एक खुद का वीडियो रहेगा जो आप इस पर कमेंट्री करोगे, आप जो भी बोलना चाहते हो इसके ऊपर आप बोलोगे, ठीक है। तो भैया उसको आप ऐड करने के लिए क्या करोगे कि भैया अब जो है आप लेयर पे जाओगे, तो लेयर यहाँ पे लिखा हो इस पर टाइप करोगे, फिर आपको मीडिया पे जाना है, और जहाँ पे भी आपका वीडियो होगा उसको क्या करोगे इसके अंदर आपको फिर से एक्सपोर्ट करना है। तो भैया मेरा जो है डाउनलोड में ही है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैंने एक वीडियो रखा हूँ ये वाला, मान लीजिए मैं डाउनलोड किया था, तो भैया उसको मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से मैं लेयर के रूप में ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो भैया यहाँ पे एक्सपोर्ट होने के बाद में भैया मैं क्या करूँगा कि ये जो लड़की का जो भाग आपको दिख रहा है मैं इसको काट देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। तो भैया मैं क्या करूँगा इस लेयर पे टाइप करूँगा उस लड़की को पार्ट का हटाने के लिए, और मैं क्या करूँगा भैया कि मैं सिंपली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो मैं क्रॉपिंग पे आऊँगा, क्रॉपिंग पे आने के बाद मैं क्या करूँगा इधर वाला जो आपको आइकॉन दिख रहा है इसको मैं क्या करूँगा स्क्रॉल करके, और ये जो है सिर्फ लड़की का पार्ट को मैं काट देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं क्या करूँगा इधर जो राइट वाला सिंबल से मैं टाइप करूँगा तो लड़की वाला पार्ट जो है कट जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस फोटो को मैं क्या करूँगा कि मैं पूरा जो हूँ मैं इसको पूरा फुल स्क्रीन में कर लूँगा, ठीक है, मैंने कर लिया। तो भैया अब आपको क्या करना है भैया कि जैसे कि मान लो कि अब आपको जो है कि आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो भैया स्क्रीनशॉट आपको लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है इधर सेटिंग ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, इस पर आपको टैप करना है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चर एंड सेव। तो भैया इस पर आपको टाइप करके क्या कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लोगे उसके बाद में क्या करना है भैया कि जैसे कि इस तरह के आपका जो है वीडियो आपका रहेंगे, ठीक है। तो भैया मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये नीचे वाला जो आपका वीडियो है उसको क्या करना है कि आपको उस पर टैप करना है उसके लेयर पे, और क्या करना है भैया आपको नीचा स्क्रॉल करना है, ठीक है। मान लीजिए कि पहले वाला जो लड़की का वीडियो यहाँ पे स्टार्ट होगा, लड़की नाचेगी, ठीक है, और इधर जो है आपका वीडियो जो है वो पूछ रहेगा, ठीक है। तो भैया इस तरह का जो है आपको करना है, उसके बाद में जब आप बोलोगे तो लड़की जो है पूरा साइलेंट हो जाएगी। तो भैया इस तरह का जो है आपको करना है, तो भैया आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो हूँ मैं इतना बड़ा मैं कर लेता हूँ, मैं इधर लाता हूँ लास्ट छोर पे, ठीक है, मैंने लास्ट छोर पे मैंने सेट कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा कि इधर जो है आपका स्टॉप वाला जो है आपका फोटो लगेगा। तो भैया उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि फिर से हम लेयर पर जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और मीडिया में जाने के बाद में जो मैंने कैप्चर किया था स्क्रीन शॉट लिया था उसको मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से मैं फिर इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और लेयर के रूप में भैया मैं क्या करूँगा भैया मैं पूरा इसको फुल कर लूँगा इधर तक ले, ठीक है, मैंने कर लिया। और मैं क्या करूँगा भैया कि यहाँ पे जो है कैंची और यहाँ पर रोटेट के बीच में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है, और इधर आपको क्या करना है भैया इस वाला भाग ए वाला जो है इस पर आपको टैप कर देना है। तो
भैया इस तरह के जो है आपके स्क्रीन में फिट हो जाएंगे और आप इसको अच्छे से क्या करना, अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना। मैं करके मैं क्या करता हूँ भैया, मैं इधर से जो है राइट वाला जो सिंबल दिख रहा है इस पर मैं टैप कर दूंगा। तो भैया इधर आप देख सकते हो भैया कि इस तरह के कुछ हो जाएंगे, जैसे कि इधर लड़की डांस करेगी और आप जो है इधर आपका सिर्फ म्यूट रहेगा वीडियो, ठीक है। और जब लड़की जब रुक जाएगी, लड़की म्यूट हो जाएगी, उसके बाद में आप जो है बोलना स्टार्ट करोगे। तो भैया ये इस तरह के हो जाएंगे, इस तरह के तो आपका हो गया। अब आपको क्या करना है भैया कि अब जो है अब इधर लड़की का वीडियो खत्म हो जाएगा और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और लड़की जो है यहाँ से म्यूट हो जाएगी। तो भैया इधर जो लास्ट वाला जो है लड़की वाला जो क्लिप्स है उस पर आपको टैप करना है। उसको क्या करना है, कैंची पे टैप करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, ठीक है। तो भैया इस पर आपको क्या करना है, टैप करना है। जैसे भैया टैप करोगे तो यहाँ पे जो है क्लिप्स को यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है, जो कि फोटो रहेगा ऐड कर देगा। और आपको क्या करना भैया, जितना आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लेना, ठीक है, जितना भी आप रखना चाहते हो रख लेना। और उसके बाद क्या करना है, इसको डन कर देना। तो चलो भैया अब इधर से जो है थोड़ा समय पहले करके देखता हूँ कि कुछ इस तरह का वीडियो बनने के बाद में दिखेगा। इस तरह से भैया दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाएगा कि लड़की का वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपका वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बहुत आगे, ठीक है। तो ये है। कुछ इस तरह का आपका वीडियो जो है बनने के बाद में दिखेगा भैया। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो फालतू पार्ट आपको दिख रहे हैं उसको क्या करना है, आपको कट करना है। तो भैया पहले क्या करेंगे, पहले लेयर जो हमने ऐड किया था उसमें मैंने टाइप करूंगा और कैंची पे जाऊंगा। और मैं क्या करूंगा भैया, मैं इधर से जो है मेरा राइट वाला जो पार्ट है मैं काटना चाहता हूं, तो मैं राइट वाला काट लूंगा। और ऊपर वाला भी मैं पार्ट को क्या करूंगा, मैं काटना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट वाला यहां पे ट्रिम टू राइट लिखा उस पर मैं टाइप करके काट लूंगा, ठीक है। फिर मैं डन कर दूंगा। और उसके बाद में मान लीजिए कि इस तरह का आपका वीडियो तैयार हो जाएंगे। और भैया आप चाहते हो कि इस पे कुछ टेक्स्ट को लिखने के लिए या कुछ इमोजी को लगाने के लिए, तो भैया आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लेयर पे जाना होगा। यहाँ पे इफेक्ट डालना चाहते हो तो इफेक्ट डाल सकते हो। अगर कुछ वीडियो ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे मीडिया पे जाकर ऐड कर सकते हो। स्टिकर डालना चाहते हो तो स्टिकर ऐड कर सकते हो। अगर कुछ लिखना चाहते हो दोस्तों तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे जाना है, कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भैया आपको क्या करना है कि आपको शॉर्ट वीडियो आप बना सकते हो रोस्ट का, या भैया आप जो है पूरा फुल वीडियो बना सकते हो, या जो भी आप करना चाहते हो फनी कमेंट्री कर सकते हो। और उसके बाद में भैया आपको क्या करना है कि कोना में एक तीर का आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको टैप करना है। और टैप करने के बाद में कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने दिखने लगेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो रेशो है भैया आपको 1080p आपको सेलेक्ट कर लेना है। और भैया यहाँ पर जो फ्रेम रेट है आपको 30 पे क्या करना है सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो बिट है भैया 8 पॉइंट से ऊपर आपको रखना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। और भैया जैसे सेव करोगे भैया ये जो है आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएंगे आपकी गैलरी में। और भैया उसके बाद में आप इस वीडियो को जहाँ भी मन करे वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो देखने के बाद तुम भी फनी रोस्ट वीडियो बनाना सीख जाओगे। तो भैया अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।